कुकर की अगली सिटी से पहले ना ये ढाबा ऑनलाइन कर देना है हम हो गए ऑनलाइन हम हो गए ऑनलाइन आ गया है माई स्टोर ऐप ये किसी भी स्टोर को ऑनलाइन करे सिर्फ पंद्रह सेकंड में माई स्टोर अब हर स्टोर ऑनलाइन अगर सरकार साफ कर चुकी है कि कानून वापस होना संभव नहीं तो फिर किसानों ने भी ये साफ कर दिया कि वो अपनी मांगे मनवाए बिना वापस नहीं लौटेंगे छब्बीसवें दिन में प्रवेश कर गए किसान आंदोलन को लेकर कई बड़ी खबरें बीस दिसंबर के दिन आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रोज दिल्ली स्थित गुरुद्वारा रकाबगंज सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर के शहीद होने की जगह औरंगजेब के कहने पर उनकी हत्या की गई थी और उन्होंने बेकसूर लोगों का साथ छोड़ने के बजाय मरने को चुना था इसलिए हिंदू और सिख दोनों धर्मों में गुरु तेग बहादुर की शहादत का बड़ा महत्व है प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के संदेश को ट्वीट भी किया विजिट के अलावा बताया गया कि इस दौरान गुरुद्वारे के इर्द गिर्द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का भारी भरकम इंतजाम नहीं किया गया था संदेश ये कि गुरु के दरवाजे पर जा रहे हैं तो सादगी के साथ एक संदेश अप्रत्यक्ष भी था दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे पंजाब के सिख किसानों को संदेश कि प्रधानमंत्री उनका और उनके धार्मिक प्रतीकों का सम्मान करते हैं पर ऐसा नहीं कि किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार सिर्फ सॉफ्ट पार का इस्तेमाल कर रही है कुछ खबरों पर गौर करिए किसान आंदोलन में शामिल सबसे बड़ी किसान यूनियंस में से एक भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राह अब केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर है बात यह है कि 6 दिसंबर को यूनियन ने आंदोलन चलाने के लिए चंदे की अपील की इसके बाद यूनियन को देश और विदेश से चंदा मिला

यूनियन के नेता जोगिंदर सिंह उग्रा, उग्राहा का कहना है कि यूनियन को निशाने पर लिया जा रहा है विदेश में हमारे समर्थक अगर ट्रक चला रहे हैं या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो हमें चंदा क्यों नहीं दे सकते विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर यूनियन ने वाकई अफसियारे का पालन नहीं किया है तो विदेश से आने वाला चंदा उन लोगों के खातों में लौट सकता है जिन्होंने पैसे दिए निशाने पर लिए जाने की बात अपनी जगह सही गलत हो सकती है लेकिन नियमों का पालन तो सभी को करना होगा चाहे आप आंदोलनकारी हो या कोई और क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप इस देश के नागरिक हैं नागरिकों के साथ सरकार और क्या कर रही है एक और आपको नमूना देते हैं पंजाब में चौदह बड़े अड़तियों को इनकम टैक्स का नोटिस मिल गया छापे भी पड़ रहे हैं इसकी निंदा किसान आंदोलन और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों कर चुके हैं पंजाब अड़तियाज एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ अड़तियाज ने आज पंजाब में छापों के खिलाफ दुकान भी बंद रखी लोगों ने कहा ये छापे राजनीति से प्रेरित हैं इसके अलावा आज सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान ने कथित रूप से आत्महत्या की कोशिश की तरन तर तारण के इस पैंसठ वर्षीय वर्षी किसान को पहले सोनीपत सिविल अस्पताल में भर्ती किया गया फिर रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया इसके अलावा यूनियंस ने आज से भूख हड़ताल की शुरुआत की अब से रोज ग्यारह किसान चौबीस घंटों के लिए भूख हड़ताल रखेंगे उधर मोदी सरकार ने आज फिर बातचीत का न्यौता दिया चालीस यूनियंस को लिखे अपने खत में केंद्रीय कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने कहा सरकार खुले दिल से किसानों की चिंताओं का निवारण करना चाहती है सरकार ने पूछा है कि उसके द्वारा सुझाए गए सुधारों के बाद भी कृषि कानूनों को लेकर किसानों की कौन सी चिंताएं हैं हमें बताएं साथ ही सरकार बातचीत के अगले दौर के लिए समय भी तय करना चाहती है यह तो सरकार की बात हो गई अब आप किसान यूनियन की बात भी सुन लीजिए राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता उन्होंने कहा है कि जो किसान संगठन सरकार के इन बिलों का समर्थन कर रहे हैं हम उनसे भी मिलेंगे और उनका मत जानेंगे किसान आंदोलन की पुरानी शिकायत रही है कि मीडिया उनका पक्ष ठीक तरीके से नहीं दिखाता तो इस मोर्चे पर भी उन्होंने कुछ काम कर दिखाया अब वो अपना अखबार निकालने लगे हैं साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया पर खाते बना लिए इसे लेकर भी खबर बनी तब जब फेसबुक पर किसान एकता मोर्चा के पेज को 20 दिसंबर के रोज कुछ देर के लिए ब्लॉक कर दिया गया पेज तीन घंटे के अंदर रिस्टोर भी हो गया और आज फेसबुक ने एक बयान जारी करके कहा कि फेसबुक के ऑटोमेटेड सिस्टम के चलते पेज स्पैम मार्क हो गया था बात पकड़ में आई तो दोबारा शुरू हो गया लेकिन किसान आईटी सेल के बलजीत सिंह इस तर्क से सहमत नहीं हमारे साथी रजत और मनोज ने उनसे बात की कल हम देख रहे थे योगेंद्र यादव लाइव कर रहे थे उस समय लाइव के समय आपका पेज अनपब्लिश हो गया वो पूरा मामला क्या था सर इसका मामला ये था कि आज तक जब भी मोदी जी ने कोई बात बोली है तो किसी ने भी उसको काउंटर करने की हिम्मत नहीं करी क्योंकि सभी डरते हैं उनका डर भी है मन में तो हम लोगों ने जो उन्होंने फार्मर इश्यूज के ऊपर स्पीच दी थी चार दिन पहले उसको हमने काउंटर करा था और काउंटर भी इतने अच्छे तरीके से करा है जैसे उन्होंने बोला है कि हमने 1600 सौ करोड़ रुपया किसानों बा, किसान भाइयों के लिए इशू करा है एम के लिए तो मैं ये पूछना चाहता हूँ ये जो 1600 करोड़ रुपया है 86 परसेंट किसान हैं और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो पैंतालीस सौ रुपया फोर्टी फाइव हंड्रेड पैंतालीस सौ रुपया एक परिवार के हिस्से आता है तो पैंतालीस सौ रुपये का तो आटा भी नहीं आता एक परिवार के लिए तो आप क्या बात करें क्यों लोगों को परमित कर रहे हैं राइट हाँ एक परिवार को पैंतालीस रुपये तो उससे क्या होगा एंड फिर उन्होंने स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात करी और बातें करी तो हमने हमारे एक यूनियन के लीडर हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनको पंजाबी में क्लिपिंग करके उनके हर एक सवाल का आंसर दिया है तो वो हम बताना चाहते थे लोगों को और उसके ऊपर हमारी अप्रॉक्सीमेटली 50-54 लाख की रीच गई है उसके ऊपर तो अब हम उसको हिंदी वर्जन भी कर रहे हैं ताकि सारे भारत को पता चल सके आईटी सेल को सॉरी वही एक कारण था जब वो वीडियो बहुत ज्यादा वायरल वायरल हुई और इन लोगों ने जो हमारा किसान एकता मोर्चे का फेसबुक पेज था फेसबुक पेज का लाइव सेशन के दौरान उसको अनपब्लिश कर दिया तो जब हमने उसकी वेरिफिकेशन करनी चाहिए कि वट वॉज द रीज़न बिहाइंड तो कोई रीजन मिल नहीं रहा था कोई सॉलिड रीज़न नहीं मिल रहा था उन्होंने बोला कि हम आप ये वाला जो पेज है कम्युनिटी गाइडलाइंस के बिहाफ पे इसको अनपब्लिश कराए तो भाई मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूँ We have to understand the mechanism. जो कंटेंट हम लोग पेज पे डाल रहे हैं दैट इज किसान का है. उसके अलावा हमने अपने pages पे कुछ नहीं डाला सिमिलरली प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमारे सिमिलर टू आवर पेजेस फेक पेजेस भी बने हुए हैं और वो जो फेक पेजेस हैं वो भी सेम कंटेंट डाल रहे हैं यहां से कॉपी करते हैं उधर डाल देते हैं सेम कंटेंट तो अगर बूट ने उसको अनपब्लिश करा तो वो जो फेक पेजेस हैं उनको अनपब्लिश क्यों नहीं करा कंटेंट तो सेम था ना तो ये मैनुअली हुआ है ये मैनुअली किसी ने करा है और मैनुअली करने की पावर किसी आम आदमी के पास तो है नहीं रैन गवर्नमेंट सरकार के पास ही है और तो किसी के पास है नहीं Comment. किसान आंदोलन को लेकर एक आखिरी अपडेट केरल से है पिनरई विजयन सरकार ने आज फैसला किया कि 23 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें केंद्र के कृषि कानूनों पर चर्चा होगी इस दौरान केंद्र के तीनों कानूनों के खिलाफ एक प्रस्ताव भी पारित किया जाएगा